वृंदा व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो चर्चा करेंगे मशहूर अभिनेत्री अपने ज़माने की सुचित्रा सेन के बारे में, जिनका जन्म 6 अप्रैल 1931 को हुआ और इनका जन्म जो हुआ वो रामादास गुप्ता के यहाँ हुआ बंगाल में। और ये बहुत ही खूबसूरत और बड़ी बड़ी आँखें इनकी थी, तो बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री रह चुकी हैं अपने टाइम की। तो दोस्तों, इनकी जो मौत हुई है वो जनवरी 17, 2014 को, और इनके पति का नाम दिवानाथ सेन। और इनको इनकी पुरस्कार की बात की जाए तो 1963 में मास्को फिल्म महोत्सव में सप्तपदी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का इनको पुरस्कार मिला, और विशेषकर उत्तम कुमार के साथ अभिनय करने के कारण वे सारे बंगाल में अत्यंत जनप्रिय हुई। और बहुत ही सुचित्रा सेन की जोड़ी जो है बंगाल में बहुत ही फेमस मानी गई। दोस्तों, इनकी प्रमुख फिल्मों में देवदास, बम्बई का बाबू, ममता, आंधी इत्यादि रही, और अग्नि परीक्षा, ये सब इनकी सुपरहिट पिक्चर रही। और इनकी जो निधन हुआ वो 23 दिसंबर 2013 को उन्हें श्वसन में कुछ संक्रमण की वजह से कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, और 17 जनवरी 2014 को दिल का दौरा पड़ने से 52 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी अभिनेत्री रही, प्रथम भारतीय अभिनेत्री हैं जिनको किसी अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र महोत्सव में पुरस्कार प्रदान किया गया। और श्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार 7 पाखे बांधा 1963 के लिए मास्को चलचित्र उत्सव में इनको पुरस्कृत किया गया। विशेषकर उत्तम कुमार के साथ अभिनय करने के कारण वे सारे बंगाल में अत्यंत ही लोकप्रिय हुई। दोस्तों, इनकी जो बेटी है वो मुनमुन सेन है, और वो उनकी दो बेटियां जो अभिनेत्री रहीं। तो इस तरह से इनका जो है जीवन रहा, और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी अभिनेत्री मानी गई। अपना पारिवारिक जीवन और अपना फिल्मी करियर ग्राफ दोनों को बैलेंस में करते हुए अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ें। तो उम्मीद करती हूँ भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच। Thank you.